स्टूडेंट टुडेज टॉपिक लुक एट द पिक्चर एंड राइट द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड ओके देन सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट कौन सा है ये इंग्लिश बुक नंबर 1 ओके देखो हमने अब तक आपको बहुत सारे क्लास में हमारे प्रीवियस क्लास में कितना सारा हो गया है ना ए ई आई ओ सा ये जो ओवेल्स है तो हम ओ ओवेल्स तक आकर रुके हैं ए हो गया ए ई आई देन ओ अब लास्ट वाला सिर्फ कौन सा बचा है यू है ना आपको तो पता है हाउ मेनी ओवेल्स 5 ओवेल्स लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होके हमें हमारे जो क्लास में मिस पढ़ाते हैं वो ऑब्जर्व करना पड़ता है और लास्ट तक उसको देखना भी पड़ता है कि हमारे मिस ने आज क्या पढ़ाया है और कैसा पढ़ाया है आप क्या करते हो बीच में से ही उसको वो क्या कर देते हो छोड़ देते हो फिर उससे क्या होता है हमारी जो पढ़ाई है वो अधूरी हो जाती है अधूरी रह जाती है इसलिए हमें क्या करना है पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट होके देखना है कि हमारे मिस ने क्या पढ़ाया है और हमें इससे क्या सीखना है ना आप सभी को ये ध्यान से देखना है इसलिए आप क्या करोगे जब मिस पढ़ाते हो तो क्या करोगे आप लोग बुक पेंसिल इरेजर शार्पनर निकाल के रेडी भी रहना है ना मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना रेडी रहना है आपको हाँ तो ठीक है फिर शुरू करते हैं आज का क्लास हमारा हम स्टार्ट करते हैं ओके देखो अब हम मैंने पहले ही बताया कि लुक एट द पिक्चर राइट द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड ओके यानी हमें क्या करना है आज पिक्चर को देखना है कि पिक्चर कौन से है क्या है और वहाँ पर मैंने जो फर्स्ट लेटर दिया है और बाद में दो दो जो लेटर है वो मिसिंग है दो लेटर जो है वो क्या है यहाँ के मिसिंग है तो वो क्या करना है हमें कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करके वो क्या हो जाएगा फिर वर्ड पूरा तैयार हो जाएगा यानी कंप्लीट वर्ड हो जाएगा है ना अभी तो फिलहाल में मिसिंग है इसीलिए मैं क्या करूँगी सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर के बारे में बताऊँगी कि ये पिक्चर क्या है ओके देखो फर्स्ट पिक्चर है कौन सा पिक्चर है बेटा ये फर्स्ट वाला आप पहचान सकते हो नहीं अरे बड़ा इजी है सभी के घर में रहता है ना तो ये है कॉट ये क्या है कॉट यानी खटिया कॉट ये सभी के घर में मौजूद होती है ना तो ये क्या है कॉट सी ओ टी कॉट क्या है सी ओ टी कॉट ओके देन टी पॉट ये क्या है टी पॉट है ना जिसमें गर्मा गर्म टी रखी जाती है टी पॉट ये डॉग है ना सभी के गांव में डॉग दिखाई देते हैं है ना किसी किसी के घर में तो डॉग को पालते भी हैं है ना ओके तो ये क्या है डॉग है अब ये पॉट का भी स्पेलिंग पता है आपको पी ओ टी पॉट देन डी ओ जी डॉग देन ये लॉग है ये लॉग है ये भी बहुत सारी जगह पे दिखाई देता है ना लकड़े का इतना बड़ा जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको लकड़े का इतना बड़ा जो टुकड़ा होता है ना वो कहीं पर भी हमें नज़र आता है ना तो ये है लॉग एल ओ जी लॉग और ये फ्रॉग यानी मेंढक अब ये जब बरसात के दिन होते हैं बारिश के तो हमें यहाँ वहाँ उसका साउंड सुनाई देता है यानी कि आवाज़ भी हम सुनते हैं उसका और क्या करते हैं वो फ्रॉग हमें उस टाइम दिखाई दिया जाता है ना तो आज हमें क्या करना है यही स्पेलिंग हमको क्या करने हैं कंप्लीट करने हैं ओके तो ये एक्टिविटी हमारे देखो बुक नंबर 1 जो है हमारा कॉर्डो का तो इसमें जो हमारा बुक नंबर कितना 16 बुक नंबर पेज नंबर 16 पेज नंबर 16 पे ये एक्टिविटी है हमें ये देखो है ना इसी को हमें क्या करना है कंप्लीट करनी है आज यही एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है ओके चलो ठीक है फिर तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम
कॉट का स्पेलिंग कंप्लीट करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉट का स्पेलिंग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो। तो से स्पेलिंग कॉट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, COT कॉट। अब यहाँ पे तो सी राइट किया है हमने, है ना, यहाँ पर सी तो ऑलरेडी राइट हो चुका है, तो सिर्फ यहाँ पे हमें क्या लिखना है बेटा, ओ और टी। देखो क्या हो गया हमारा भी, COT कॉट। देन ये क्या है, पॉट, है ना, टी पॉट, आई एम लिटिल टी पॉट, है ना, उसकी पोएम भी है। तो ये क्या है, पॉट, है ना, POT पॉट। ओके, तो हमें पी तो पहले राइट किया है मिस ने, है ना, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा अभी, O और T। हाँ, O और T, POT पॉट। देन DOG डॉग। ये DOG डॉग क्यों, क्योंकि डॉग का ही पिक्चर है और हमारा क्या टॉपिक भी वही है, लुक एट द पिक्चर, राइट द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड, है ना, हमारा टॉपिक भी वही है। ये क्या है, डॉग है, है ना, तो हमें कैसे स्पेलिंग डॉग, DOG डॉग। तो हमें यहाँ पर क्या राइट करना पड़ेगा, डी तो पहले ही राइट किया है फर्स्ट लेटर मैंने, O और G, DOG डॉग, DOG डॉग। तो क्या करना है हमें अभी, ये क्या है, लॉग, LOG लॉग, क्या है, LOG लॉग। L तो पहले ही राइट किया है मैंने, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या राइट करना है, O और G, LOG लॉग, है ना, और सबसे लास्ट में फ्रॉग, मेंढक। तो F और R ऑलरेडी दे चुकी हूँ, है ना, यहाँ पे मैं राइट किया है हमने, तो यहाँ पर भी हमें FROG फ्रॉग का स्पेलिंग, उसके लिए स्पेलिंग याद करना बहुत मस्ट है, क्योंकि देखो अब हमें अगर पता ही नहीं रहता कि इसका स्पेलिंग क्या है, फ्रॉग का या डॉग का, लॉग का, तो हम इसको कंप्लीट कर पाते क्या बेटा, नहीं, इसको हम बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं कर पाते, इसीलिए हमें स्पेलिंग के ऊपर भी क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है, और वो भी हमें क्या करना पड़ता है, लर्न करने पड़ते हैं स्पेलिंग। तो से स्पेलिंग फ्रॉग FROG, तो हमें यहाँ पर FRR लिखा है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है अभी, FROG फ्रॉग। तो इस तरह से हमारे क्या हुए हैं, इस तरह से हमारे जो हमने जो लिखे हैं मिसिंग जो वर्ड थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, मैंने फर्स्ट लेटर लिखा था, बाकी ब्लैंक रखा था, और मिसिंग हमें वर्ड बनाने थे, तो इसलिए तो अभी हमारे क्या हो गए, ये वाले कंप्लीट हो गए, है ना। तो चलो हम एक बार इसको क्या करते हैं, ऐसे ही मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। ओके, देखो, COT कॉट, COT कॉट, POT पॉट, POT पॉट, DOG डॉग, DOG डॉग, LOG लॉग, और FROG फ्रॉग। ओके, तो यही हमें क्या करना है, लर्न करना है, और अपने 4 लाइन के बुक्स में आपको राइट भी करना है। ओके, तब तक टेक केयर, बाय बाय।